Sangwal, congratulations on the new appointment, the new big job that you've been given, and thank you for speaking to NDTV. My first question to you, a big responsibility, sir, you've been chosen, you know what's the reason behind it? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मेरे पे विश्वास प्रकट किया। बाकी से आपने कहा, हर नया दायित्व जो है वो चुनौतीपूर्ण ही होता है जी। और ये मान के चलना कि संविधान हमें सब कुछ सीख देता है, उसके अनुसार ही काम करेंगे हम। अचानक से इस तरीके से किरण रिजिजू जी को शिफ्ट करना और आपको लाना, उसके पीछे क्या वजह हो? मैंने कहा ना, ये मेरा काम है ही नहीं, संविधान के अनुसार काम करना यही मेरा काम। जो पिछले 3-4-6 महीने में इतनी सारी रनिंग्स हुई हैं किरण रिजिजू की, जुडिशरी के साथ, CJI के साथ, बहुत स्टेटमेंट्स हुए हैं जो प्रेजेंट नहीं थे, आपको लगता है ये सब कंट्रीब्यूट किया है उन्हें हटाने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, न्यायपालिका और कार्यपालिका के संबंध मधुर रहे हैं, मधुर रहेंगे, संविधान के अनुसार ही रहते हैं, संविधान के अनुसार ही हम काम करते हैं। आपकी प्रधानमंत्री जी से सीमाएं तय कर रखी है संविधान जी, आपकी प्रधानमंत्री जी। अभी हम आज सुबह जब इंटरनेशनल म्यूजियम का जो एक्सपो था उसमें साथ ही उन्होंने कुछ कहा आपको ये जिम्मेदारी देने के लिए? वो हमारा इंटरनल मामला है। तो सर, आपके ऊपर क्या अब क्या जिम्मेदारी है, क्योंकि रिजिजू जी के साथ जितनी चीजें हुई है क्या उसको सकता? मैंने आपको बताया नहीं कि संविधान के अनुसार काम करना हमारी ड्यूटी है, उसके अनुसार ही। फाइनली राजस्थान, ये फाइनली है, ये फाइनली है, राजस्थान इज गोइंग टू कुछ का विषय नहीं है, कोई उसके साथ कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। थैंक यू।